नमस्कार, मैं विद्या। अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दाल हमारे खाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। दाल के बिना खाना अधूरा सा होता है और दाल को हम कई अंदाज में हमारे खाने में शामिल करते हैं। ऐसे ही एक हम दाल बनाने वाले हैं, मूंग दाल तड़का, इसे मैंने नाम दिया है। बहुत ही सरल और बहुत ही स्वाद से भरी ये दाल है, तो चले बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पकी हुई मूंग की दाल ली है। हमें ओवर कुक नहीं चाहिए मूंग की दाल, खड़ी खड़ी ही चाहिए। और मैंने एक टमाटर लिया है, नींबू लेंगे, उसका रस निकाल लेंगे, धनिया पत्ता, हींग है, एक चम्मच राई है, एक चम्मच जीरा है, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर है, एक चौथाई चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच, हल्दी पाउडर है, 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें हैं। अब हम सबसे पहले पैन में तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही हम देंगे राई। राई फूटने के बाद हम देंगे कड़ी पत्ते। अदरक लहसुन का पेस्ट दिया अब मैंने। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन दूर होना चाहिए। अब दी गई हल्दी पाउडर और अब मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा था वो डाल दिए हैं। टमाटर को हमें गलाना नहीं है, टमाटर के नरम होते ही अब हम देंगे पकी हुई मूंग की दाल। चला ले अच्छे से। अब हम दाल में जो भी पानी देंगे ज़रूरत के अनुसार वो गर्म पानी देंगे। अब मैंने थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया है। अब दे रही हूँ नींबू का रस। नींबू के रस से दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दिया है मैंने। मिला ले अच्छे से और हम दाल को 2 से 3 मिनट तक उबाल लें। अब छोड़ देंगे। दाल जब तक उबल रही है तब तक हम दाल का तड़का बना लेते हैं। तड़का पैन में मैंने तेल दे दिया है। अब दिया जीरा। जीरा अच्छे से फूटने के बाद अब दे रही हूँ हींग। आज को मैंने बंद कर दिया है। अब दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रंग के लिए। मिला ले अच्छे से और एक गर्मा गर्म तड़का अब मैंने दाल में दे दिया है। अब आखिर में मैं दे रही हूँ गरम मसाला पाउडर और तड़के और गरम मसाले को बहुत अच्छे से मिला ले। अब ढक्कन देके इसे कुछ देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ देर बाद मैं अभी इसे निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। ये आ गए सर्विंग प्लेट में और ऊपर से मैंने थोड़ा सा तड़का बचा के रखा था गार्निशिंग के लिए। और आप इसे चावल रोटी के साथ खा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सरल यह मूंग दाल आप ज़रूर ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अनुष्का किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।